हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं SHM कॉइन कलेक्शन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक इंडिया के इस 5 रुपए के सिक्के के बारे में। दोस्तों, वर्ष 2004 में हमारे देश में लाल बहादुर शास्त्री जी का 100वां जन्मदिन मनाया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के एक महान नेता थे और हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री भी रहे हैं। उनके इस 100वें जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए कलकत्ता मिंट के द्वारा ये 5 रुपए का सिक्का जारी किया गया था। उस दिन इस 5 रुपए के सिक्के के साथ प्रूफ सेट और UNC सेट भी जारी किए गए थे। दोस्तों, इस सिक्के के आगे की तरफ अशोका स्तंभ और 5 रुपया लिखा हुआ है और पीछे की तरफ लाल बहादुर शास्त्री जी की फ़ोटो बनी हुई है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस सिक्के की कीमत की। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये सिक्का सिर्फ कलकत्ता मिंट के द्वारा ही ढाला गया था, लेकिन ये सिक्का काफ़ी मात्रा में ढाला गया था, इस वजह से इसकी कीमत कुछ ज़्यादा नहीं है। दोस्तों, अगर आपके पास ये सिक्का यूज़ कंडीशन में है, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह का सिक्का है, तो ये बड़ी आसानी से 20 से 25 रुपए में आपको इस कंडीशन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास UNC कंडीशन वाला सिक्का है, तो 40 से 50 रुपए में आसानी से आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों, एक बात ये भी है कि अगर ये सिक्के आप लॉट में ख़रीदेंगे, यानी कि क्वांटिटी में ख़रीदेंगे, पूरे 100 सिक्कों का बैग ख़रीदेंगे और वो ऐसे इस तरीके के यूज़ कंडीशन में, तो उसकी प्राइस 20 से 25 रुपए नहीं है, उसकी प्राइस तकरीबन 8 से 9 रुपया या 8 से 10 रुपया आज की तारीख में चल रही है। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले इन सिक्कों का पूरा 100 का लॉट लिया है, एक बैग में पूरे 100 सिक्के आए हैं इसी तरह के यूज़ कंडीशन में, जो मैंने 9 रुपए में लिया है, एक सिक्का 9 रुपए में, टोटल पूरा बैग मुझे 900 रुपए में पड़ा है। तो दोस्तों, इन सिक्कों की कीमत डिपेंड करती है कि आप सिंगल लेते हो कि पूरा लॉट ख़रीदते हो। अगर मेरी तरह पूरा लॉट लोगे तो 20 की जगह आपको 8-9 रुपए में भी एक सिक्का पड़ जाएगा, और ऐसा ही डीलर करते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।